नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी के बर्थडे पर एक दिन में 2.5 लाख टीके लगाकर भारत ने रचा इतिहास। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 8 हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति को दी मंजूरी, 28 जजों के तबादले की भी सिफारिश। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने वाले ओसामा के चाचा हुमैद उर रहमान ने प्रयागराज में किया सरेंडर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूपी रवाना। राजनाथ सिंह ने कहा, जब पूरा हिंदुस्तान उनका है तो खालिस्तान की मांग क्यों? ममता बैनर्जी पर इनाम, बीजेपी नेता को पकड़ने अलीगढ़ आई बंगाल पुलिस टीम को पीटा, सीओ से भिड़े सांसद विधायक। जीएसटी के दायरे में नहीं आने से राहत की उम्मीद टूटी, उल्टे और बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। गुजरात के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मोदी पर निबंध प्रतियोगिता, कांग्रेस बोली, मरे हुए नेताओं के लिए होता है ऐसा। जम्मू कश्मीर, आतंकियों का कुलगाम में डबल अटैक, पुलिसकर्मी के बाद बिहार के मजदूर की हत्या की। महाराष्ट्र, एनसीबी की गिरफ्त में आया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी, ड्रग्स तस्करी में था शामिल। दाऊद के गुर्गों से लड़ने वाला दिल्ली पुलिस का पूर्व जवान महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन के सामने हुआ बेबस, अपनी जमीन की लड़ाई के मामले में जूझ रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।